हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम एनएससी के टॉप गेनर एंड टॉप लूजर का हिस्टोरिकल डेटा कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स प्रीवियस डे का डाटा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए हमें हमारी किसी भी स्ट्रेटजीज को चेक करने के लिए या न्यू स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने के लिए प्रीवियस डे के टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि एनएससी की वेबसाइट में जो है हमें करंट डे के गेनर्स एंड लूजर्स का डेटा मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 मई को। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 मई को, बट मेरी स्क्रीन पर आपको जो डाटा दिख रहा है ये 20 मई, 20 मई का डाटा आपको नजर आ रहा है। सो इस प्रकार से हम जो है किसी भी डेट का टॉप गेनर एंड टॉप लूजर का डाटा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पर जाकर के एनएससी भाव कॉपी सर्च करना है। एनएससी भाव कॉपी आप सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको एनएससी की वेबसाइट पर ले आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट रिपोर्ट में फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, भाव कॉपी। एंड इसके बाद इस कैलेंडर डेट में से जिस भी डेट का आपको डाटा चाहिए टॉप गेनर एंड लूजर का, वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं अप्रैल का डाटा लेना चाह रहा हूँ, तो 8 अप्रैल का डाटा हम लेते हैं। 8 अप्रैल में गेट डाटा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाती है। इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो एक जिप फाइल आपके सिस्टम पर डाउनलोड होगी। इस जिप फाइल को आप ओपन कर लीजिए और इस जिप फाइल पर राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट हियर पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो कुछ ही सेकंड्स में ये फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप, ये फाइल जो है मेरे सिस्टम पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सटेंशन इसका चेंज हो चुका है, पहले जिप था, अभी .csv हो चुका है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, हमने जो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आपको फ्री स्कैनर दिया है इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल के सेक्शन पर जाना है और यहाँ ओपन का ऑप्शन है, ओपन पर क्लिक करना है, या फिर सिंपली जो है आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस क्लिक करना है एंड हमने जो फाइल डाउनलोड करी है उसे हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। सो हमारी फाइल का नाम है CM। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी फाइल आ चुकी है, इसे मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। कुछ सेकेंड्स लगेगा इस फाइल को ओपन होने में। तो स्कैनर्स आपके लिए मैंने फ्रीली अवेलेबल करवा दिया है। इस स्कैनर को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी तरीके से फ्री ये स्कैनर आपके लिए अवेलेबल है। तो ये भाव कॉपी हमारी डाउनलोड हो चुकी है 4 अप्रैल की। आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट ऑल कर लेना है। Ctrl+A प्रेस करके जो है आप इस सीट को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉपी या कट पे जो भी आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जो हमने गेनर्स एंड लूजर का स्कैनर दिया है इस पर वापस आना है। एंड यहाँ नीचे देखिए आपको 4 सीट नज़र आ रही है, इसमें से लास्ट वाली सीट पे भाव कॉपी पे आपको आना है और यहाँ पर फिर से Ctrl+A पर सिलेक्ट करना है आपको। Ctrl+A करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपको Ctrl+V क्लिक करना है या फिर जो है आप सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट की बटन भी दबा सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस किया है तो जो भाव कॉपी हमने अभी कॉपी करी है 20 अप्रैल की, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 4 अप्रैल की जो हमने भाव कॉपी वहाँ से पेस्ट कॉपी करी है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा प्रोसेस में समय लगता है, बट जैसे ही ये प्रोसेस होगी आपके सामने 4 अप्रैल के टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की लिस्ट आ जाएगी। देखिए ये प्रोसेस हो चुकी है। सॉरी, हमने 8 अप्रैल का डाटा वहाँ से निकाला है। सो 8 अप्रैल की सीट हमारे सामने आ चुकी है टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की। तो इस प्रकार से जो है ये स्कैनर आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, जिससे आप किसी भी डेट का जो है डाटा पुल आउट कर सकते हैं टॉप गेनर एंड टॉप लूजर का। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड इसी प्रकार की और वीडियो अगर आप चाहते हैं या आपकी किसी स्पेसिफिक स्कैनर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पर भी स्कैनर आपको बना करके प्रोवाइड करवा पाऊँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।